हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है कुछ ऐसे प्लांट्स के ऊपर है जो मैंने इस सीज़न में कटिंग से तैयार किए हैं, वही प्लांट आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत सारे वैसे प्लांट मैंने कटिंग से लगाए हैं और जो इस समय तैयार हो गए हैं वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस तरह के प्लांट अभी इस सीज़न में आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो मनी प्लांट मैंने कुछ हफ्ता 10 दिन पहले जो कटिंग मैंने पानी में लगाई थी, तो देखिए इसकी कितनी बड़ी बड़ी जो वाइट वाली रूट आपको दिख रही है पानी में, बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है। और इस तरीके की आप पानी में मनी प्लांट की कटिंग जो है लगा सकते हैं, ये पानी में सालों साल चलता है। और देखिए, मैंने एक एक जो लीव्स होता है उसको काट के पानी में रखा हुआ और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है। दूसरा जो प्लांट है जो इस साल मैंने कटिंग से तैयार किया है, मेरे पास एक बड़ा सा शेफलेरा का प्लांट है, तो उसको मैंने एक दिन रिपोर्ट किया, कोई 1-1.5 महीना पहले की बात है। तो उसके पास से ही देखिए, मैंने एक इसकी ब्रांच को कट किया, उसके साथ थोड़ी सी रूट्स थी, मुझे इतना यकीन नहीं था कि ये चलेगी, मगर देखिए ये बहुत ही अच्छे से चल पड़ा है और इसमें न्यू ग्रोथ भी शुरू हो गई है। तो इतना बड़ा प्लांट अगर मैं नर्सरी पे लेने जाऊंगी तो मुझे 100-150 का तो ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, मुझे ये फ्री में ही मिल गया अपने मेन प्लांट से। तो देखिए, ये मेरा फाइकस का प्लांट है जो मैंने कटिंग से ही तैयार किया है इस सीज़न में, और देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो देखिए, इतनी बड़ी ब्रांच आप भी इसकी जो है, अगर कटिंग से इसको ग्रो करना चाहते हैं तो इस तरीके की ब्रांच लीजिए। तो ये फाइकस का जो प्लांट है बहुत ही इजीली तैयार हो जाता है। अगला प्लांट कोलीस का है जो मैंने कटिंग से तैयार किया है, और इस तरह के मैंने 2-4 प्लांट जो है तैयार किए हैं कटिंग से कोलीस के, अलग अलग कलर के। तो देखिए, उनमें से ये एक है जिसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि एक दो बार जब बारिश पड़ी तो ये ऐसे ही रह गया, क्योंकि ये फाइकस के गमले में लगा है, तो बारिश पड़ने के बाद में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। और उसके बाद देखिए, इस छोटे से गमले में मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर के 3 कटिंग लगाई हुई हैं कोलीस की, और तीनों की तीनों ही चल गई हैं। तो देखिए, साथ में छोटी छोटी कटिंग भी लगी हैं और वो भी चल गई हैं। तो इस समय अगर आप चाहो तो कोलीस नर्सरी से भी ला सकते हैं, अगर आपको कहीं से कटिंग मिले तो ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है। यही है कि इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा धूप में नहीं रखना है और ज़्यादा पानी इनको नहीं देना है। अगला देखिए, ये अल्ट्रा नेंथ्रा है, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। देखिए, ये धूप में रहता है तो इसलिए इसकी जो कलर है थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर इसी प्लांट से लेके जो मैंने कटिंग ग्रो की थी तो तब मैंने आपसे शेयर भी किया था। तो देखिए, 15-20 दिन या 20-25 दिन हो गए होंगे जब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, तो देखिए बारिशें अभी हो रही हैं लगातार, तो इस वजह से इसकी जो कटिंग है वो भी बहुत ही अच्छे से चल गई है। बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई थी तो देखिए पूरा गमला भर गया है कटिंग से, और बहुत ही अच्छे से ये सारी की सारी चल रही हैं। अभी मैं इसको धूप में भी रखती हूँ। तो देखिए, चंपा की कटिंग मैंने कम से कम भी कोई 1-1.5 महीना पहले लगाई थी, तो देखिए छोटी ही कटिंग है, मगर अभी देखिए इसमें न्यू शूट्स निकल के कितनी बड़ी हो गई है। और इसको मैंने लगाया हुआ है एक जो मेरा हिबिस्कस का प्लांट है उसके साथ में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, तो अभी ये बहुत ही अच्छे से चल रही है। और अभी मैं इसको रिपोर्ट करूँगी, इसको अलग गमले में लगाऊंगी। तो इस तरीके से आप चंपा को भी कटिंग से समय ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती। तो जूफोरिया मिली की कटिंग देखिए मैंने लगाई थी इसके छोटी सी बॉटल में, तो बहुत ही अच्छे से ये चल भी गई है, और साथ में जो है इसमें वो भी जो है थोड़ा मौसम ठंडा भी है, तो उसकी वजह से इसमें देखिए छोटे छोटे जो फूल हैं वो भी आने लगेंगे कुछ दिनों में। तो देखिए, इस तरीके से आप लगा सकते हैं जूफोरिया मिली की भी कटिंग, क्योंकि इसको भी ज़्यादा पानी आपने नहीं देना है, तो इसकी कटिंग बहुत आराम से चल जाती है। तो देखिए, चेन प्लांट एक मैं नर्सरी से लाई थी कोई 5-6 महीने पहले, उसी प्लांट से लेके मैंने देखिए अभी 1 से जो है 3 प्लांट बना लिए हैं। वैसे जो मेरा मेन प्लांट है चेन प्लांट, उस पर और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट जो लगे हुए हैं, मगर मैंने इनको मेन प्लांट से अलग करके देखिए इस तरीके से, एक तो छोटे से गमले में लगाया हुआ और एक को हैंगिंग बास्केट में लगाया था। तो जब मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया था तो मैंने आपसे शेयर भी किया था, तो देखिए ये दोनों ही बहुत ही अच्छे से चले हैं। इनको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, थोड़ी सी जब बारिश आए तो थोड़ी देर के लिए बारिश में रख सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से ये भी दोनों प्लांट मेरे कटिंग से तैयार हो गए हैं चेन प्लांट के। तो देखिए, ये है बेबी टेयर्स, बहुत ही खूबसूरत सा एक ऑर्नामेंटल प्लांट कह सकते हैं, जो कि सिर्फ ग्रीनरी देता है, फूल भी इस पर आते हैं मगर दिखते नहीं हैं। इसके जो पत्ते होते हैं उसी में इसकी ब्यूटी होती है, जो ग्रीन पत्ते इसके होते हैं। तो देखिए, मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया है, और इसको 10-15 दिन पहले मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया है, और देखिए बहुत ही अच्छे से इसकी जो कटिंग है वो चल गई है। तो इस तरीके से आप ये भी प्लांट कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये स्पीड टैटू वाइन है, काफ़ी लंबी ये वाइन हो गई थी, बॉटल में ही लगी हुई थी, तो देखिए मैंने इसको आगे से काट काट के
इसकी बहुत सारी कटिंग मैंने इस बॉटल में लगा दी थी जो सिंगल कटिंग थी पहले। तो अभी देखिए जितनी भी मैंने कटिंग लगाई है सब की सब में न्यू जो ग्रोथ है वो शुरू हो गई है। तो इस समय आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्वीट पोटैटो वाइन है। तो देखिए एक छोटी सी बॉटल प्लांटर जो मेरे पास खाली पड़ा था तो ऐसे ही मैंने इसमें दो चार कटिंग या पाँच सात कटिंग ऐसे ही डाल दी थी। तो ये बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई है और देखिए अभी तो कितनी इसकी लंबी लंबी जो ट्रेल करने वाली जो उसकी ब्रांचेज हैं वो नीचे की ओर जा रही हैं। तो इस समय आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए एलोवेरा का भी प्लांट मैंने मेन प्लांट से अलग करके लगाया था तो अभी ये भी देखिए एक छोटा सा प्लांट है जो मेरा तैयार हो गया है कटिंग से ही। उसके बाद देखिए रियो का प्लांट जो मैंने कप में लगाया था कटिंग से, तो देखिए अभी इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। कभी कभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए बारिश में भी रख देती हूँ और ज़्यादा बारिश में नहीं रखती हूँ क्योंकि कप में होल नहीं है, इस वजह से इसको मैं हटा भी लेती हूँ तो अच्छी ब्राइट लाइट में और थोड़ी देर की धूप में रहता है तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है। उसके बाद देखिए जो मैंने मनी प्लांट लगाया था सिंगल लीव से, तो इसकी भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है और ये भी जो है चलने लग गया है। तो इस तरीके से आप भी इस समय जितनी भी कटिंग हो सके आपको मिले कहीं से तो लगा सकते हैं। कटिंग से आपके जो प्लांट हैं बहुत ही जल्दी और फ्री में जो है तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये सभी जो मनी प्लांट आप देख रहे हैं ये मैंने कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं। देखिए क्राइसेंथिमम है जहाँ गुलेदौदी, तो देखिए उसकी मैंने कटिंग लगाई है, कुछ कैलंचू की भी हैं। तो देखिए सभी की सभी जो है चल गई हैं। तो इस समय आप क्राइसेंथिमम जहाँ गुलेदौदी की कटिंग जहाँ जो कैलंचू होता है कैलन कोई देसी हो चाहे हाइब्रिड इनकी भी कटिंग है इस समय आप लगा सकते हैं और अपने न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। आने वाला जो सर्दियों का सीजन है इनमें फ्लावरिंग होगी। तो देखिए ये सिंगोनियम को जो प्लांट हैं छोटे छोटे गमलों में मैंने लगाए हुए हैं और देखिए कितने अच्छे इनकी ग्रोथ है। तो ये भी मैंने छोटे छोटे प्लांट हैं मेन प्लांट से अलग करके इनको छोटे छोटे गमलों में लगाया है और देखिए एक तो हैंगिंग बास्केट में भी लगाया है। तो इनको भी मैंने वही है कि 15-20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा महीना हो गया होगा तब मैंने इनको लगाया था। तो देखिए बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ है। तो इस समय आप इनको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये डेबल्स बैकबोन जो ग्रीन वाला होता है उसकी मैंने कटिंग लगाई थी जो एक थूजा का जब मोरपंखी का प्लांट है उसके गमले में। तो देखिए इसमें तो न्यू ग्रोथ भी शुरू हो गई है, इसमें काफ़ी अच्छे से रूट भी बन गए होंगी। तो अभी मैं इसको रिपोर्ट करूँगी तो आपसे शेयर भी करूँगी। तो इस तरीके से आप डेवल्स बैकबोन की भी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। तो जो लास्ट प्लांट है देखिए ये जुका है, तो ये इसको मैंने कुछ 10 दिन पहले ही लगाया था। तो ये भी देखिए बहुत ही अच्छे से चल रहा है, इसको सिर्फ पानी ज़्यादा नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट जिनको मैंने कटिंग से तैयार कर लिया। इस तरह के और भी मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं तो वो जब कटिंग से तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।